वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं क्लास नाइन्थ के लिए, चैप्टर सेकंड है पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल्स क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल क्या है? पॉलीनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप कहोगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इन सभी ऑपरेशंस का यूज़ करके जो हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का रिलेशनशिप निकालते हैं वो ही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। और यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलीनोमियल कहलाता है। तो पॉलीनोमियल्स के जो टाइप होते हैं, वो पॉलीनोमियल कई टाइप के होते हैं। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अब मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म। सबसे पहले तो हम पॉलीनोमियल की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब, इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वेरिएबल बोलते हैं। और कॉन्स्टेंट वैल्यू जितने भी होल नंबर हैं, यानी कि जितने भी वन टू इन्फिनिटी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या हैं, यहाँ पर वो क्या हैं, नेचुरल नंबर जो हैं वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। चलिए मान लो जैसे हम यहाँ पर लिखें 5x, तो 5x हमारा क्या है कि ये 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और x क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई यूज हुआ है, यानी कि 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोनोमियल की बात करें, देखो इसमें सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है, तो ये क्या होता है, मोनोमियल होता है। अगर हम बात करें बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल हो जाएगा 5x+3, इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो वो ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल है। चलिए इसके बाद आती है बात जीरो पॉलीनोमियल। तो जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, ध्यान से सुनना, जीरो पॉलीनोमियल कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो जीरो पॉलीनोमियल कहलाता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। मान लो यहाँ हम लिख दें 5, तो ये क्या है, हमारा जीरो पॉलीनोमियल है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कोफिशियंट। तो कोफिशियंट क्या है, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो कोफिशियंट है। लाइक दैट यहाँ पर अगर हम बोले कि एक्स का कोफिशियंट क्या है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, तो एक्स का कोफिशियंट क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ भी एक्स का कोफिशियंट क्या है, 5 है। मान लो हम लिख दें यहाँ पर 3x² और पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, 3 होगा। चलिए ये तो हो गया कोफिशियंट। एक नेक्स्ट है डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे इसकी डिग्री की हम बात करें तो हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, 2 है। एक अगर हम पॉलीनोमियल लिख लें 5x³ + 2x² + 5x + 3, और यहाँ पर ये बोले कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री मैंने बताया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। चलिए पॉलीनोमियल की एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पॉलीनोमियल में जो भी पावर होगी वो होल नंबर्स में होगी, ठीक है, इंटीजर्स में नहीं, कि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा पावर में, हमेशा होल नंबर में होगी। अगर होल नंबर है पावर में तो वो क्या होगा, पॉलीनोमियल होगा, और होल नंबर नहीं है पावर तो क्या है, पॉलीनोमियल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दें √x + 3, तो ये क्या है, ये पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि √x क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। या हम लिख दें 1/√x + 5, तो ये भी क्या है, ये पॉलीनोमियल नहीं है। चलिए इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। कोफिशियंट मैंने बता दिया, डिग्री मैंने बता दी, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बता दिए। तो चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है, इसने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं और हमें बताना है कि कौन इसमें से वन वेरिएबल है। चलिए ये है चैप्टर सेकंड,
एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, क्लास नाइन्थ के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कुछ एक्सप्रेशंस हमें दिए हैं और पूछा है कि इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि इसमें से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलिए, फर्स्ट पार्ट इसने दिया है 4x² - 3x + 7, ठीक है, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है, x, y, z, a, b, c, d, ये क्या है, वेरिएबल है। अगर किसी पॉलिनोमियल में x और y दोनों आ जाए तो हो जाएगा क्या, उसमें टू वेरिएबल्स हो गए। अगर x ही उसमें आता है तो हो जाएगा क्या, वन वेरिएबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ x ही है तो वन वेरिएबल है, तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल ये हो गया। चलिए सेकेंड इसने दिया है, ये हो जाएगा यस, सेकेंड इसने दिया है y² + √2, ठीक है। देखो वन वेरिएबल है, सिर्फ वाई है और पावर भी होल नंबर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस yes। इसके बाद आता है थर्ड, थर्ड क्या है, 3√t + √2। देखो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3t/1/2 हो जाएगा + t√2। तो वेरिएबल हमेशा क्या है, होल नंबर में, तो ये क्या हो गया, नो। उसके बाद आता है फोर्थ, फोर्थ क्या है, y + 2/y, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। क्यों हो जाएगा, देखो ये है, इसको हम लिख सकते हैं y + 2 × y^-1, और माइनस वन नेगेटिव इंटीजर होता है ना कि होल नंबर होता है। चलिए इसके बाद आता है फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, x^10 + y^3 + t^50। देखो ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि x भी है, y भी है और t भी है, तो ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो वन वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ वन एंड थर्ड, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज वन एंड थर्ड, वन एंड सेकेंड, एंड थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट वेरिएबल बिकॉज क्या है, ये जिसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। चलिए इसके बाद आता है फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या है, ये थ्री वेरिएबल है, यहाँ पर वन वेरिएबल नहीं। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टू, ये आगे होगा समझ में, सिर्फ इतना ही बताना है कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। पहले दो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये तीन नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, बनेंगे ही नहीं, और ये बनेगा तो ये थ्री वेरिएबल्स के साथ है। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कहता है राइट द कोफिशियंट ऑफ x² ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कोफिशियंट क्या है, कोफिशियंट मैंने बोला था कि जिस भी वेरिएबल का कोफिशियंट पूछता है बस उसके मल्टीप्लाई में जो भी होल नंबर है या जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो उसका कोफिशियंट। जैसे इसने फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है 2 + x² + x, और इसने बोला है राइट द कोफिशियंट ऑफ x², तो x² का कोफिशियंट, x² के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो इसका जो कोफिशियंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर मान लो ये पूछे कि x का कोफिशियंट, तो x के साथ में मल्टीप्लाई में 1 है। चलिए इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, सेकेंड है 2 - x² + x³, ठीक है, x² का कोफिशियंट बताना है, x² यहाँ है तो इसका कोफिशियंट क्या, 1 है और माइनस के साथ है, तो कोफिशियंट क्या होगा, -1। इसके बाद है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, π/2 × x² + x, तो x² का कोफिशियंट मैंने बोला है x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है, x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, π/2, इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, π/2। चलिए नेक्स्ट है √2x - 1, तो x² कोफिशियंट, देखो x² इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो x² नहीं है तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सिर्फ हमें x² का कोफिशियंट बताना था, यहाँ x² कोफिशियंट 1 है, यहाँ x² कोफिशियंट -1 है, यहाँ x² का कोफिशियंट π/2 है, और यहाँ x² है ही नहीं, तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा।
चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो, एंड ऑफ ए मोनोमियल, और एक ऐसा पॉलीनोमियल बताना है जो मोनोमियल हो और डिग्री 100 हो। देखो मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था मोनोमियल मतलब वन टर्म, और उसकी डिग्री क्या हो 100 हो। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 5x की पावर 100। ठीक है, एक वेरिएबल है, ठीक है, एक टर्म है, और पावर कितनी है 100 है, यानी कि डिग्री क्या हो गई 100 हो गई। तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब उसने बोला है बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें दो टर्म हो, तो बाइनोमियल का मतलब हो गया जिसमें दो टर्म हो। तो हम क्या लिख सकते हैं 5x + 3 लिख सकते हैं, बट उसने बोला है कि इसकी डिग्री 35 हो, तो एक्स की पावर 35 कर दो, बस हो गया। कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हो ऐसे, आप मोनोमियल और बाइनोमियल। तो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया हमारा मोनोमियल, और ये हमारा हो गया बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, एक टर्म 5x हो गया, एक 3 हो गया, यहाँ पर एक ही टर्म है, मतलब मोनोमियल। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, राइट द डिग्री, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, डिग्री भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की या पॉलीनोमियल की, पॉलीनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 3, क्योंकि इस पूरे पॉलीनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर की हम बात करें तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। चलिए इसके बाद आता है सेकंड, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 2, क्योंकि इस पॉलीनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है 2। चलिए इसके बाद है थर्ड पार्ट, 5t - √7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि t की पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होती है तो मतलब होता है 1, तो t की पावर 1 है तो डिग्री कितनी होगी 1 होगी। इसके बाद है फोर्थ पार्ट 3, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं और ना पावर है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, तो देखो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, मैंने बता दिया पहले कि इसकी डिग्री 0, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो पावर ही नहीं है, तो क्या होगा 0। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। हमें लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल, देखो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या फ़र्क है, लीनियर पॉलीनोमियल जो होगा उसकी पावर हमेशा 1 होगी, यानी कि डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जो होगा उसकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक जो होगा उसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है। लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 और क्यूबिक की डिग्री 3 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का अगर फर्स्ट पार्ट हम देखें तो ये है x² + x, तो देखो डिग्री कितनी है 2 है, 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। चलिए इसके बाद आता है सेकंड, सेकंड है x - x³, ठीक है, पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसके बाद आता है थर्ड, y + y² + 4, डिग्री देखो, डिग्री चेक करो, डिग्री है 2, अब 2 है तो क्या होता है क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, 1 + x, डिग्री कितनी है
इसकी डिग्री है वन, वन है तो क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 3t, डिग्री क्या है वन है, इसकी डिग्री हो गई कितनी वन, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। इसके बाद आता है सिक्स पार्ट, सिक्स है टी की पावर, टी नहीं आर, आर स्क्वायर, तो डिग्री देखो डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है आपकी टू, अब डिग्री टू है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसके बाद है सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है सेवन एक्स क्यूब, ठीक है, तो डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री है थ्री, अब थ्री है तो क्या बताया था मैंने क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। चलिए बस इसी के आधार पर हमने बता दिया, इसमें यही सिर्फ पूछा था कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलीनोमियल बताएं। लीनियर वो होगा जिसकी डिग्री वन होगी, डिग्री में पहले बता चुका हूँ हाईएस्ट पावर होती है, जिसकी डिग्री टू है वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री थ्री है वो क्यूबिक होगा, जिसकी डिग्री फोर है वो बाइक्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है, 2.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, इसमें पांच ही क्वेश्चन हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें पहचानना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलीनोमियल है या नहीं है, कौन सा वन वेरिएबल है, कौन सा टू वेरिएबल है, डिग्री क्या है, कोफिशियंट क्या है, ठीक है, सिर्फ इतना है, इसमें बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही, इस एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें देखो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल चलेगा हमारा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, टेंथ क्लास में भी काम आएगी आपके, पॉलीनोमियल चैप्टर पूरा ही है टेंथ क्लास में भी, रिमाइंडर थ्योरम आएगी, डिवीजन थ्योरम आएगी, ठीक है, और तुम्हारा जो है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल आएगा, तो इसको अच्छे से समझें। अभी एक ही एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया से मैंने समझा दिया, इसमें कुछ नहीं है, डिग्री बताना है, कोफिशियंट बताना है, पॉलीनोमियल बताना है, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बताना है, कोफिशियंट बताना है, ठीक है, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है, सिर्फ ये फाइंड करना है, बताना है, ठीक है, वो सभी इसी एक्सरसाइज में आ गया हमारा। ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और हाँ वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करते रहें और इसको शेयर भी करते रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए उसका पता चल जाए। चलिए थैंक यू, गुड डे।